अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं मलिया फूडी में आप सबके लिए लेके आई हूँ चिकन ब्रेड रोल की रेसिपी। तो चलिए हमारी रेसिपी हम स्टार्ट करते हैं। तो चिकन ब्रेड रोल बनाने के लिए सबसे पहले मैं हंडी में थोड़ा सा तेल ली हूँ। तेल हमारा गर्म हो चुका है, इसमें मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर दी हूँ और इसे अच्छे से सौटे कर लूँगी। अदरक लहसुन हमारा अच्छे से भून लिया है हमने, इसमें मैं गोभी ऐड कर रही हूँ। गोभी को मैंने चॉप कट कर ली हूँ। एक कप मैं कैप्सिकम ले रही हूँ, उसको भी मैंने चॉप कट कर ली हूँ। 2 से 3 मिर्ची और कैरेट ले रही हूँ मैं, 1/2 कप कैरेट ली हूँ, इसको भी मैंने चॉप कट कर ली हूँ और इसे अच्छे से सौटे कर लूँगी हमारी वेजीज को। वेजीज हमारी 1/2 कुक्ड हो चुकी है। अब मैं इसमें 1 टीस्पून सोया सॉस ऐड कर लूँगी, साथ ही साथ 1 टीस्पून विनेगर ऐड कर रही हूँ और इसे अच्छे से सौटे कर लूँगी। अब मैं इसमें चिकन ऐड कर रही हूँ। चिकन मैंने 250 ग्राम ली हूँ, उसको मैंने अच्छे से बॉईल कर ली हूँ। अब मैं इसमें ब्लैक पेपर ऐड कर रही हूँ, ब्लैक पेपर है 1 टीस्पून और नमक ऐड कर रही हूँ, नमक हसबे जायका, और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमारी ब्रेड रोल की स्टफिंग बिल्कुल तैयार हो चुकी है। अब हम ब्रेड रोल बना लेंगे। ब्रेड रोल बनाने के लिए मैंने एक बोल में स्टफिंग ली हूँ हमारी जो हमने तैयार किए थे, और एक बोल में मैंने पानी ली हूँ। यहाँ मैंने हमारे ब्रेड्स ली हूँ। अब हम आपको इसे कट करके बताएंगे। सबसे पहले हमने ब्रेड के कॉर्नर्स को कट कर लेना है। ये देखिए, हमने ब्रेड के सारे कॉर्नर्स कट कर लिए हैं। इसी तरह से हम हमारे सारे ब्रेड के कॉर्नर्स को कट कर लेंगे। ये देखिए, हमने हमारे सारे ब्रेड के कॉर्नर्स को कट कर लिए हैं। और याद रहे, कॉर्नर्स हम वेस्ट नहीं करेंगे, इसके हम ब्रेड क्रम्स बना लेंगे। रोल बनाने के लिए सबसे पहले हम ब्रेड को पानी में डिप करेंगे और इसे स्क्वीज करके सारा पानी रिमूव कर लेंगे। ये देखिए हमें किस तरह से इसका सारा पानी निकालना है। सारा पानी अब निकल चुका है। अब हम इसमें हमारी स्टफिंग ऐड करेंगे। अब हम इसका रोल तैयार करेंगे। ये देखिए, इसी तरह से आपने भी करना है। हमारा रोल अब तैयार हो चुका है। देखिए, इसमें कहीं से भी मतलब फटना नहीं चाहिए हमारा ब्रेड। ये रोल हमारा तैयार हो चुका है। इसी तरह से हम हमारे सारे ब्रेड रोल तैयार कर लेंगे। सारे रोल हमने तैयार कर लिए हैं। तो चलिए अब हम इसे अंडे में डिप कर लेंगे। अंडे में डिप करके हमने इसे ब्रेड क्रम्स में लगा लेना है। ब्रेड क्रम्स हमने साइड के कॉर्नर से ही बनाए हैं। ये हो गया हमारा ब्रेड रोल तैयार। इसी तरह से हमने हमारे सारे ब्रेड रोल्स को तैयार कर लेना है। रोल हमारे यहाँ पर तैयार हो रहे हैं और साइड में मैंने यहाँ पर तेल रख लिया है गरम के लिए। सारे रोल हमारे बनकर तैयार है और हमारा तेल भी बिल्कुल गर्म हो चुका है। अब हमने इसे डीप फ्राई कर लेना है, बिल्कुल इसी तरह। ये देखिए, रोल हमारे गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। अब हम इसे निकाल लेंगे।
इसी तरह से हम सारे रोल हमारे फ्राई कर लेंगे। सारे रोल अब हमारे तैयार हो चुके हैं, अब हम सर्व कर लेंगे। अब हमारी प्लेटिंग भी बिल्कुल तैयार हो चुकी है, अब हम आपको इसे टेस्ट करके बताएंगे। आप भी हमारी ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और हमें बताइएगा कि कैसी बनी है हमारी ये रेसिपी। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा ये आप मुझे कमेंट करके बताएं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह निगेवान।